जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है खास कार्यक्रम में। आइए, अष्टोराम उत्तर मिश्रा आज हम लेकर आए हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु यदि आपकी पत्रिका में खराब है, या राहु की पोजीशन अशुभ है, या राहु की महादशा या राहु की कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आइए जानते विस्तार से। राहु एक बहुत ही चमत्कार इमोशनल और बहुत ही आध्यात्मिक ग्रह होता है, और कहीं ना कहीं राहु के बारे में बहुत लोग डर जाते हैं। राहु एक सर्प है, और राहु केतु का जो संबंध होता है एक ही होता है। समुद्र मंथन के बाद भगवान विष्णु ने गर्दन काट दी थी, जो अमृत पान छल से किया था इसके दौरान। तो इसलिए राहु का जो धड़ है और केतु का धड़ है, ये दोनों अलग अलग हैं, एक ही प्राणी है, लेकिन दोनों का भाग अलग अलग हो जाता है। तो राहु जीवन में क्या आपके एक प्रभाव डाल सकता है, आइए जानते हैं। यदि आपकी पत्रिका में राहु अच्छी जगह बैठा है, विराजमान है, तो आपको रंग से राजा बनाएगा। कुछ बिन केतु शनिविद राहु, शनि का प्रभाव राहु देता है और राहु का प्रभाव शनि देता है, मंगल का प्रभाव केतु देता है और केतु का प्रभाव मंगल देता है। तो राहु यदि आपका लग्न विराजमान है, तो ऐसी महादशा यदि आपकी राहु की आती है, तो आप रंग से राजा बनाएगा और आपको सेल्फ डिपेंड साहसी पराक्रमी बनाकर आपको व्यापार में और नौकरी में सफल सुप्रीम सम्मान पावर देगा और अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। राहु यदि आपका तृतीय भाव में विराजमान है और राहु की चल रही महादशा, तो ऐसा व्यक्ति आपके पराक्रम से और आपके बल से आपको बहुत सारे लोग जानेंगे और अपने रातों रात आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। लग्न का राहु तृतीय का राहु आपको रंग से राजा बनाता है, इसमें कोई प्रकार का संदेह नहीं है। दूसरा, षष्ठ का राहु आपके षष्ठ का राहु की देव की विराजमान है आपकी पत्रिका में और दशा चल रही है, तो षष्ठ का राहु आपको शत्रुओं को पराजय करके झंडा लहराएगा और आपको अपने मुकाम में ले जाएगा और विदेश यात्रा कराएगा। उसके बाद आपको नवीन अच्छे अच्छे ट्रम से जोड़ेगा, व्यापार से जोड़ेगा और लोगों से जोड़कर आपको टेक्निकल चीज़ों में ले जाकर, या बहुत सारी जो लाइजिंग के काम होते हैं, कमीशन के काम होते हैं, दलाली काम होते हैं, ठेकेदारी काम होते हैं, इसमें राहु आपको इन्वॉल्व करेगा, जिसमें आपको सफलता मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, दशम का राहु यदि विराजमान है आपकी पत्रिका में और महादशा चल रही है, अंतर में दशा चल रही है, तो उसमें भी आपको व्यापार से संबंधित पिता का सम्मान और विदेश यात्रा और नई रणनीति के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। एकादश का राहु आपको आय दिलाएगा, प्लस शनि का घर होता है एकादश भाव, तो आपको स्थान चेंज कराएगा और कहीं ना कहीं बड़े बड़े व्यापार को प्रोजेक्ट को जोड़ेगा आपके साथ, और लोग आपसे बुजुर्ग लोग मिलेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और आपके प्रति वो प्रसन्न होकर आपके साथ काम करने के लिए इच्छुक होंगे। राहु ये बहुत इमोशनल है, और राहु यदि आपकी पत्रिका में ख़राब है, तो कहीं ना कहीं आपको लांछन लगाएगा, रोक देगा, एक्सीडेंट कराएगा, बॉडी में दर्द देगा, पैरों में, घुटनों में, कमर में, और कहीं ना कहीं आकस्मिक चीज़ों में फंसा देगा, जिसके लिए आपने किसी संगत के साथ संगत आप खराब कर देगा, जिससे आप संगत के साथ बहुत हानि पहुंच जाएगी और लोग आपसे जुड़ेंगे और आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देंगे। तो राहु को समझना और राहु की महादशा और राहु किस राशि में अच्छा फल देता है, इसका भी थोड़ा ध्यान रख लेते हैं। राहु यदि आपका मकर का राहु है भाव में या विराजमान है, इन भाव में जिसमें मैंने बताया, लग्न में एक तृतीय भाव में और षष्ठ में, दशम में, एकादश भाव में, यदि आपका मकर का राहु है तो आपके लिए बहुत अच्छा फल देगा। यदि आपका कुंभ का राहु है तो आपको बहुत अच्छा फल देगा। यदि तुला राशि का राहु है तो भी आपको अच्छा फल देगा, और मिथुन राशि का राहु है आपका तो बढ़िया फल देगा, और यदि आपका वृषभ राशि का राहु है तब भी आपको बहुत अच्छा फल देने के संकेत आपको मिलेंगे। तुला राशि का भी राहु है सम फल देगा, फिर भी अच्छा देगा, और कन्या राशि का यदि राहु है तो भी आपको सम फल देगा। और यदि आपका सबसे ज़्यादा जो फल राहु देने वाला क्षमता रखता है, वो रखता मिथुन, वृषभ राशि, मकर राशि और क्या कुंभ राशि, इन चार राशि में यदि राहु विराजमान है, इन भाव में विराजमान है, जो मैं पीछे बताया हूँ, तो आपको कन्फर्म है कि आपकी जवानी में यदि दशा आपकी आ गई तो आपको राजा बनाएगा और आपको सफल व्यापार में ले जाएगा। फिर यदि बात करते लग्नों की, कि लग्न में किस लग्न में राहु योगकारी फल देता है, यदि आपकी कन्या लग्न है, मिथुन लग्न है, कुंभ लग्न है,
मकर लग्न है, इन लग्नों में यदि राहु की दशा आती है और राहु इस भाव में विराजमान है तो जाहिर सी बात है कि आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। आपको एक ऐसा चमत्कार, एक ऐसा लोग जुड़ेंगे आपके साथ कि आपको कहां से कहां ले जाएंगे आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, और आपको लाभ मिलता है। और जिसका राहु नीच का है या जिसका राहु खराब है, ऐसी कंडीशन में राहु को कुंडली से दिखवाएं, विस्तार से जानकारी लें, फिर राहु को वैदिक उपाय भी करना आपको परम आवश्यक है। और आप वैदिक उपाय करें और राहु के लिए कुछ स्टोन भी धारण कर सकते हैं। जैसे राहु के लिए आपको एक गोमेज सिलोनी श्रीलंका का धारण करना है, और राहु का वैदिक मंत्र का जाप करा के ब्राह्मणों के द्वारा और दूर्वा से हवन करना है। मंत्र सुन लीजिए, ओम काया नश्रा आवदूती सदा वर्धा सखा कया शिष्टाया व्रता। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं और जाप करा के राहु और दूर्वा से हवन करेंगे तो राहु ग्रह आपका प्रसन्न होगा और आपके लिए लाभ देगा। इसकी दशा जो होती है 18 साल की होती है, ठीक है, लंबा दशा होता है काफ़ी, उसके दौरान ये चीज़ आपको शांति करानी है और गोमेद रतन पहनना है। समय का अभाव होता है, आप अपना ध्यान रखिए, हमारी शुभकामना है। किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए कुंडली के माध्यम से, व्यापार के लिए, मैरिज के लिए या यात्रा के लिए, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। अपना ध्यान रखें, जय माता दी। आप आचार्य पंडित राम अवतार मिश्रा जी से विविध प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल है वैदिक ज्योतिष संस्थान, फेसबुक आईडी वैदिक ज्योतिष संस्थान, व्हाट्सएप नंबर है 9650925716, हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com, हमारी मेल आईडी है vedicjyotishsansthan15@gmail.com। एस्ट्रोलॉजर, हॉरोस्कोप कंसल्टेंट्स, हॉरोस्कोप सर्विस, ज्योतिष आचार्य पंडित राम अवतार मिश्रा जी, परामर्श शुल्क जन्म पत्रिका के साथ 1100 रुपए मात्र, आजीवन सदस्यता 11,000 रुपए मात्र। महर्षि आश्रम के वैदिक ब्राह्मण के द्वारा अनुष्ठान व पूजा विधिवत संपन्न करवाई जाती है। फोन पे नंबर 9891171324, संपर्क सूत्र 01204108727, 9650925716, हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंधकार से प्रकाश की ओर आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। इसके माध्यम से शिक्षा, नौकरी, करियर, व्यवसाय, मांगलिक विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारियों से पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। वैदिक ज्योतिष संस्थान आचार्य पंडित राम अवतार मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर, हॉरोस्कोप कंसल्टेंट, हॉरोस्कोप सर्विस, फोन नंबर 01204108727, 9650925716, हमारा पता है E23 सेक्टर 27 नियर इंदिरा मार्केट नोएडा 201301, हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com।